दस फरवरी 1967 का पहले बीच की मध्याह्न में बात चल रही थी कि नाली सहज है, बाकी याद करते करते विकर्म विनाश करने में समय लग जाता है। मनुष्य कहते हैं ये तो कोई शक्ति है या फिर उनको परमात्मा से प्रेरणा मिलती है। अब बाप कहते हैं मैं तो ज्ञान का सागर हूं, प्रेरणा कैसे करूंगा, ज्ञान का सागर हूं तो ज्ञान की उछाले मारूंगा ना, प्रेरणा तो अंदर की चीज हो गई। ज्ञान सुनाने के लिए मुख से बोलना होता है और कानों से सुनना पड़ता है। वास्तव में ये प्रेरणा अक्षर भक्ति मार्ग है कि भगवान ने हमको ऐसे प्रेरणा की। तो पहले मूल बात है बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो गए। बाप को याद करें विकर्म विनाश हो जाए, और कोई को याद करे तो विकर्म विनाश क्यों नहीं होते। बाप की याद से ही विकर्म विनाश क्यों होते हैं। बाप जहां बाप है वहां पाप नहीं है, और जहां पाप होता है वहां बाप नहीं होता है। तो बाप की याद करेंगे माने बुद्धि से संग करेंगे तो जैसा संग वैसा रंग लगेगा। रावण को याद करेंगे माने रुलाने वाला रावण, का संग रावण से लगेगा तो रुलाने वाले की तो पाप बनते हैं तो हमारे भी पाप बन जाते हैं। तो पहली मूल बात है बाप को ही याद करो, मुख्य याद की यात्रा है और इसी में मेहनत, इसको कहा जाता है गुप्त मेहनत, क्योंकि अंदर अंदर से याद करना होता है, मुख से कुछ बोलने की भी दरकार नहीं है। कि नहीं शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा बोलते रहो, अंदर की याद चाहिए, आवाज बिल्कुल बंद हो जाए। आवाज बंद होती है कहते मुख से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर अंदर से आवाज निकलती है, जीव जीव चलती रहती है, ये भी नहीं। कोई कर्मेंद्र की कोई भी हरकत ना हो, ये अंदरूनी मेहनत है। तो मुख से कब शिव बाबा या शिवाय नमः ये भी कहना नहीं है। क्यों नहीं कहना है, क्योंकि बाहर की आवाज मन की आवाज नहीं है। मन की आवाज दिल की आवाज,
दिल की आवाज दिल वाला बाप तक पहुंचेगी। ये तो शरीर की आवाज है, जिब्या कहो मुख कहो ये शरीर के ही तो अंग हैं। गले से आवाज निकलती है वो भी शरीर का अंग है। शिवबाबा को तो अपना कोई अंग अथवा शरीर है ही नहीं, तो जिसको अपना अंग ही नहीं है, शरीर ही नहीं है, देह ही नहीं है, उसको देह से कैसे आकर्षित किया जा सकता है? देह से उसको आकर्षित नहीं कर सकते, याद भी नहीं कर सकते। वो भी बुद्धि रूपी आत्मा है और हम भी मन बुद्धि रूपी आत्मा है, तो मन बुद्धि रूपी आत्मा का मेल मन बुद्धि रूपी आत्मा से होता है। देह में बहुत मोटा ताजा हो और दूसरा जिससे उसका मेल बिठाना हो वो और बहुत पतला दुबला हो तो मेल नहीं बैठता है ना। जैसे को तैसा चाहिए, इसलिए बाप कहते हैं पहले देह भान भूलो। मुख से बोला माने देह भान आया है, तो देह को देह के भान को भूलो और अपन को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। इसको गूंगे की मिठाई कहा जाता है। जैसे गूंगा है वो मिठाई खाता है, उससे पूछा जाए मिठाई का कैसा स्वाद है, उसके मुख से आवाज निकलती नहीं है, अंदर अंदर अनुभव भरा हुआ है, तो ये परमात्मा की याद ही अंदरूनी अनुभव है। हम शांति में बाप को याद करते हैं, हमको राजयोग सीखने को मिलता है। कहते हैं ना 3 मिनट साइलेंस, आवाज में आने की बात नहीं, वो तो कहते हैं 3 मिनट साइलेंस, अर्थ को तो समझते नहीं है। यहां तो तुम अर्थ को समझते हो, तुम्हारी इस शांति में बहुत कमाई है, क्योंकि तुम आत्म की स्थिति में अपन को आत्मा समझ करके बैठते हो। ये आत्मा तुम प्रकृति के मध्य में ज्योति बिंदु के रूप में बैठी हुई है। आत्मा का परमात्मा से मेल होता है, वो सुप्रीम सोल परमात्मा से देह धारण नहीं करता। तुम देह धारण करते हो तो क्या करना पड़े, पहले देह को भूलना पड़े। जितना जितना देह को भूलते जाएंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित होते जाएंगे, उतना बाप की याद पक्की होती है। ये गुप्त ज्ञान है, अंदर में ज्ञान रहता है। ये तुम जो नोट्स लेते हो वो भी इसीलिए लेते हो कॉपी पेंसिल से
कि तुमको याद रहे। जो बहुत होशियार होते हैं उनको नोट्स लेने की भी दरकार नहीं है, उनका बुद्धि रूपी डायरी में ही सारा नोट होता रहता है। टॉपिक्स का भी नोट्स होना चाहिए कि आज हमको इस फलाने टॉपिक पर किसी को समझाना है। पतित से पावन होने के लिए और किसी को नहीं बुलाते हैं। कृष्ण को बुला रहे, विष्णु को बुला रहे, पतित से पावन होने के लिए हनुमान को बुला रहे। बाबा कहते वो तो बंदर, वो कैसे पति से पावन बना देगा। कोई गणेश को याद करते हैं वो तो देह अभिमान में झूमता ही रहता है। तो बाप कहते हैं कि पतित से पावन बनना है तो बाप को ही बुलाया जाता है। भक्ति मार्ग में तेसर जन्म बुलाते हैं, क्या कहकर बुलाते हैं? पतित पावन सीताराम, क्या हे सीताओं के राम, तुम पतितों को पावन बनाने वाले हो, अब आ जाओ। हम सात सीताएं पतित हुई पड़ी, हमको पतित पने से उठाओ। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी देवता राम के सिवाय ऐसा नहीं है जिसमें वो सुप्रीम सोल निराकार शिव प्रवेश करके पतितों को पावन बना सका। तो दो बाप हुए, एक निराकार बिंदु बिंदु निराकार आत्माओं का बाप, जो बिंदु आत्मा हमारी गुरगुटी के मध्य में बैठी हुई है स्टार की मिसल, यादगार में बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं। वास्तव में वो आत्मी की स्मृति में टिकने की बात है, कोई टीका लगाने की बात नहीं है। उस ज्योति बिंदु आत्मा को उस सुप्रीम सोल बाप की याद में टिकना है, जो बाप कभी देह के बंधन में बंधता ही नहीं, इस शक्ति पर आता भी है। हम तुम बच्चों में से कोई एक शरीरधारी में मुकर रूप से प्रवेश करता भी है, सब कर्म करता है, इसलिए साधारण चोले में आता है। साधारण चोले में आवेगा तो कर्म भी साधारण ही करेगा। कर्म सब करता है लेकिन कर्म के बंधन में नहीं बंधता। ऐसा वो पावन है और हम पतित बन जाते हैं। हम इस सृष्टि पर जब आते हैं आत्माओं के लोक से, तो साकार सृष्टि में आने के बाद नीचे गिरते जाते हैं, माने पति तो होते जाते हैं, हमारी आत्मा की शक्ति छिन्न होती जाती है। क्यों? वो भी तो आत्मा है और हम भी आत्मा है, हमारी शक्ति क्यों छिन्न होती है, उसकी क्यों नहीं होती? क्योंकि वो अभोक्ता है। क्या वो शरीर में आते हुए भी इंद्रियों का सुख भोगता नहीं है, और हम जो भी आत्माएं हैं वो शरीर धारण करने के बाद इंद्रियों का सुख भोगे बगैर रह नहीं सकते।
तो हम सब हैं भोगी और वो है अभोगी। इसलिए वो पतितों को पावन बनाने वाला है, वो एवर प्योर है। क्या हमनी के गिरते गिरते इम्प्योर बन जाते हैं और वो उनकी गिरता ही नहीं। हम जिसका संग का रंग लगाते हैं, जिसका संग करते हैं, अटैचमेंट हो जाता है, लगाव लग जाता है। और जिसका संग करते हैं, जिसके लगाव लग जाता है, उसकी बुद्धि में याद ऑटोमेटिक आने लग पड़ती है। हम न चाहे याद करना तो भी याद आता है और उसको वो संग में जो आता है, जिस शरीर में प्रवेश करता है, उसकी इंद्रियों के द्वारा संग तो करता है आत्मा रूपी बच्चों का, लेकिन उसको संग का रंग लगता नहीं। वो लगाव में उसकी बुद्धि नहीं आती और जब लगाव में नहीं आवेगी तो उसको याद भी नहीं आती। कोई बच्चे पूछते हैं, बाबा हम आपको इतना याद करते हैं, आप हमें याद करते हैं कि नहीं? हमारी याद आपकी बुद्धि में छपती है कि नहीं? तो बाप कहते हैं, मुझे एक एक को याद करने की क्या दरकार है? जो जैसा करेगा उसको वैसा फल नुदा हुआ है। मैं एक एक को बैठ करके याद नहीं करूंगा। तुम आशिक हो एक परमात्मा बाप के और मैं तो मासूम हूं, तो आशिक बैठ करके मासूम को याद करे? मैं एक एक को 500 करोड़ को 700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को एक को एक को बैठ के याद करूंगा क्या? मैं तो जो खास खास मुख्य मुख्य एक्टर्स हैं इस सत्यरूपी रंगमंच के, उनके अनेकों जन्मों की जीवन कहानी आकर के बताता हूं। उस जीवन कहानी के आधार पर तुम बच्चे अपने जन्मों को जान जाते हो। मुझे एक एक की कर्म कहानी बताने की दरकार नहीं है। न मैं बोर्ड पर लिखूंगा, न कागज पर लिखूंगा कि तुमने क्या क्या पाठ बजाए हैं अनेक जन्मों में। तुम अपनी आत्मिक स्थिति के बल से, परमात्मा याद के बल से अपनी आत्मा में इतनी पावर भरते हो, अपनी आत्मा को इतना पवित्र बनाते हो कि तुम्हें अनेक जन्मों का ज्ञान स्वतः ही हो जाता है। तुम आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्टधारी हो, जैसे वो ड्रामा होता है ना, तो कोई स्त्री का पार्ट बजाता है, कोई पुरुष का पार्ट बजाता है, कोई गधे का पार्ट बजाता है, कोई राजा का पार्ट बजाता है। तो जिसको जो पार्ट बजाना है वो पार्ट उसे याद रहता है या नहीं याद रहता है? याद रहता है। तो हम बिंदु बिंदु आत्माएं भी पार्टधारी है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के। जन्म जन्मांतर हमने पता नहीं कितने बार चोले बदले हैं, कभी स्त्री के रूप में पाठ बजाया और कभी पुरुष के रूप में पाठ बजाया। ये क्या चक्कर, स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री, ये क्यों बनना? अरे जैसे बीज होते हैं, गेहूं का बीज होगा, सरसों का बीज होगा, वो जमीन में बोया जाएगा तो कौन सा पैदा पौधा पैदा होगा? सरसों से सरसों का पैदा पौधा पैदा होगा, आम से आम का पौधा पैदा होगा। ऐसे ही तुम्हारी जाति जो है वो मनुष्य की जाति है। तुम जो बिंदु बिंदु आत्माएं हो, तुम्हारी जाति कौन सी है?
बिंदु 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 मन से आत्माएं हो। हाँ, जैसे वो पौधे होते हैं, जैसे आम होता है, पपीता होता है, तो उनमें कोई बीज नर होता है, कोई मादा होता है। बीज तो देखने में एक ही जैसा, लेकिन जब वृक्ष बनता है तो कोई नर बनता है, कोई मादा बनता है। ऐसे ही तुम बच्चे किसी जन्म में नर बनते हो, पुरुष बनते हो, और किसी जन्म में स्त्री चूड़ा धारण। जब नर बनते हो तो काम विकार की प्रधानता होने के कारण स्त्री चोले को याद करते रहते हो सारे जीवन, तो अंत मते सो गते हो जाती है। अंत में वो स्त्री चोला याद आ जाता है तो तुमको अगला जन्म स्त्री का मिलता है। और अगर स्त्री चोला है तो पांच विकारों में काम विकार प्रधान होने की वजह से सारा जीवन कोई न कोई पुरुष का चोला याद आता रहता है। तो सारा जीवन जो चोला याद किया जाएगा अंत समय में भी वो याद आ जाता है। तो कौन सा जन्म मिलेगा? पुरुष का जन्म मिल जाता है। हाँ, कोई कोई टाइम ऐसा होता है कि कोई दो जन्म लगातार पुरुष के अथवा दो जन्म लगातार स्त्री के मिल सकते, इससे जास्ती नहीं, फिर तो चोला बदलना ही पड़े। तो ये संस्कारों का हिसाब किताब है, ये बुद्धि का हिसाब है। अभी बाप कहते हैं बुद्धि को मेरे में लगाओ, मेरे में बुद्धि को लगा देंगे तो तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे और तुम पुण्यात्मा माना देवात्मा बन जाओगे। क्या देव योनि में चले जाएंगे, क्योंकि मैं आकर के नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाने की शिक्षा देता हूं। दुनिया में ये शिक्षा और कोई किसी को दे नहीं सकता, ये गीता का ज्ञान है। क्या हे नर अर्जुन, तू ऐसी करनी कर जो नर से नारायण बन, और हे नारी द्रौपदी, तू ऐसी करनी कर जिसे तू नारी से लक्ष्मी बन। मैं ऐसा देवता बनाता हूं जिसकी दुनिया में कोई ग्लानी नहीं है। 33 करोड़ देवताओं में से एक एक देवता की शास्त्रों में ग्लानी है। दो स्मरण दिया है, लेकिन एक ही देवता ऐसा है जिसकी कोई शास्त्रों में ग्लानी नहीं है, नारायण। मैं ऐसा देवता तुमको बनाता हूं। जो नई दुनिया आने वाली है, ये कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। कलयुग कैसे जाएगा? इतना बड़ा कलयुग, 500-700 करोड़ मनुष्य फैले हुए हैं सारी सृष्टि पर, ये कैसे खलास होगा? बंदर है। अरे भगवान बाप आते हैं तो एक तरफ नई दुनिया की निर्माण की विधि बताते हैं और दूसरी तरफ पुरानी दुनिया का ध्वंस विनाश करने का भी तरीका बता, तरीका ही नहीं बताते हैं, काम शुरू करा देते हैं। आज से 70 साल पहले न भगवान आया था और न ये एटम बम बने थे। एक तरफ भगवान आता है और दूसरी तरफ एटम बम बनना शुरू हो जाता है। ये एटम बम दुनिया के बड़े से बड़ा ऐसा हथियार है जो सारी सृष्टि को खलास कर देता है। ये बड़े बड़े एटम बम
भगवान की दाढ़ें बताई हैं गीता में, अर्जुन को मुंह खोल के दिखाई दिया, विराट रूप का साक्षात्कार कराई दिया। हे अर्जुन देख, मेरी ये जो दाढ़ें हैं ऊपर की और नीचे की, इन दाढ़ों के बीच में सारी दुनिया चबाई जाने वाली, ये चंपम आसमान में भी तैर रहे हैं और समंदर में भी पाताल में तैर रहे हैं, सिर्फ बटन दबाने की देर है और खेल खराब हो सकता है। लेकिन बाप कहते हैं जब तक मैं नई दुनिया की स्थापना न कर लूं, क्या जब तक मैं जो नई दुनिया का ढांचा तैयार न कर लूं, तब तक पुरानी दुनिया का विनाश नहीं हो सकता। दुनिया में भी लौकिक बाप होते हैं, तो ऐसे थोड़े ही कि सारा मकान एक साथ गिरा देंगे, एकदम गिरा देते हैं क्या? नहीं, पहले एक कमरा बनाएंगे, एक कमरा पहले तैयार करेंगे और उसमें सारा साज सामान इकट्ठा करके रखेंगे, फिर सारे मकान को गिरा देंगे। तो मैं भी छोटी सी दुनिया तैयार करता हूँ, क्या बिल्कुल बगीचा बनाता हूँ। अभी तो ये दुनिया कांटों का जंगल है, क्या कांटों का जंगल है, जहाँ जाओ जहाँ देखो कांटे ही चुभते रहते हैं। कांटे दुखदाई होते हैं या सुखदाई होते हैं? सुखदाई होते हैं। बाप कहते हैं ये कांटों की दुनिया अब खलास होने वाली है, कांटों की दुनिया खलास होगी, इसमें एटम बमों से आग लगेगी, धमाके होंगे और सारी दुनिया में जलमयी हो जाएगी। कैसे? एटम बमों में से आग निकलती है कि जल निकलता है? तो जलमयी कैसे हो जाएगी? जो एटम बम फटते हैं तो पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ता है, बैलेंस बिगड़ने से जो पृथ्वी के ऊपर के हिस्से में उत्तरी ध्रुव जहाँ मीलों ऊंचे पहाड़ हैं बर्फ के, और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव जहाँ सैकड़ों मील ऊंचे पहाड़ हैं बर्फ के, वो सब टूट टूट के समंदर में आ जाते हैं, तो समंदर का स्तर ऊंचा चला जाएगा। जो बम्बई जैसे शहर समंदर के किनारे आज जमीन के ऊपर रखे हुए हैं, जैसे दिखाई पड़ता है सागर के ऊपर बम्बई तैर रही है, जब समंदर का पानी ऊपर उठेगा तो सारी बम्बई क्या होगी? सारी बम्बई जिसे माया की नगरी कहा जाता है वो सब तो सागर जो है उफान मारेगा और उसमें एटम बमों की गर्मी से उसका जल क्या बन जाएगा? भाप बनकर के ऊपर होगा। सारी दुनिया में बरसात ही बरसात का नजारा हो जाएगा और कई दिन तक बरसात होगी मूसलाधार, लगातार मूसलाधार बरसात होने से क्या होगा? सब जलमयी। ये जलमयी सारी दुनिया को शांत करो, शांत होगी दुनिया, वातावरण शांत होगा, अशांति धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। पांच तत्व भी तत्व प्रधान बनेंगे, लेकिन वो बनेंगे तब जब इस दुनिया के जो रहने वाले नए संगठन के मनुष्य होंगे, माने जो देवताएं होंगे, वो संपन्न स्टेज को पहुंचे हुए,
अपनी शान के स्टेज को पकड़े हुए होंगे। ऐसी रात में जो इन आंखों से इस विनाश को देखेंगी वो अशांत नहीं होगी, अपने शांति के वाइब्रेशन को टूटने नहीं देंगे, उनके द्वारा नई दुनिया बनेगी। वो पावन बन जाएंगे, उन पावन मनुष्यों के द्वारा माने देवताओं के द्वारा नई शक्ति की शुरुआत होगी। तो आज के जो बड़े बड़े महान संत हैं, कोई कोई कहते हैं, नारा लगाते हैं, जैसे जय गुरुदेव, क्या नारा लगाते हैं, सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। तो बात तो सही है, ये काम मैं ज्ञान सुना करके कराता हूँ, इसमें प्रेरणा देने की बात नहीं है। बाकी गंगा जल व चरणामृत से थोड़े ही कोई पावन बन सकते हैं क्या? जो गंगा जी का जल है वो शरीर को साफ करेगा, कपड़ों को साफ करेगा, या मन बुद्धि रूपी आत्मा को साफ करेगा? शरीर रूपी वस्त्र को साफ कर सकते हैं। कहते हैं लोग गंगा पतित पावनी है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि पतित पावनी गंगा उसको धारण किसने किया। वो पतित पावनी गंगा कोई पानी की गंगा है या कोई कन्या है जिसने ज्ञान जल को धारण किया? कोई कन्या है जिसने ऐसे ज्ञान जल को धारण किया है कि निर्लिप्त जीवन बिताया, अटैचमेंट कोई के साथ नहीं, वो एक शिव के साथ अटैचमेंट हुआ। किसके साथ? शिव के साथ। जटाओं में गंगा दिखाते हैं ना, शंकर का जूड़ा बंधा हुआ होता है और उसमें किसी कन्या का चेहरा दिखाया जाता है, तो इसे साबित होता है कि चित्रकार ने ये चित्र दिया है, बताया है कि परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो राम के अंतिम चोले में प्रवेश करके उनका नाम देते हैं शंकर, और शंकर ऐसी गहरी याद में रहता है कि शंकर और शिव की आत्मा मिलकर के एक हो जाती है, एकाकार। इसलिए 33 करोड़ देवताओं में से एक ही देवता ऐसा है जिसका नाम शिव के साथ जुड़ा जाता है। कौन है? शिव, शंकर भोलेनाथ। और 33 करोड़ देवताओं में से एक भी ऐसा नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जुड़ा गया। बाप आकर बताते हैं कि शिव शंकर भोलेनाथ कहते तो है, लेकिन लोग समझ लेते हैं कि शिव शंकर एक ही आत्मा है। ऐसा नहीं है, अगर एक ही आत्मा होती तो शिव की पिंडी बनाते हैं, शिव के मंदिर में क्या बनाते हैं, शिव की पिंडी बनाते हैं और शंकर का विग्रह बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं। जो पुराने पुराने मंदिर हैं उनमें बीच में शिवलिंग होता है और आसपास देवताओं की मूर्तियां रखी होती हैं, उन मूर्तियों में मुख्य स्थान पर शंकर की मूर्ति रखते हैं। उससे साबित क्या हुआ कि वो आसपास सब परमात्मा बाप शिव के बच्चे बैठे हुए हैं जो मनुष्य से देवता बनते हैं, और बीच में मनुष्यों को देवता बनाने वाला बाप बैठा हुआ है शिव। तो शिव की आत्मा अलग, जो जन्म मरण के चक्र में ना आने के कारण उसकी कोई मूर्ति नहीं बनती। इसकी शिव की मूर्ति नहीं बनती, शिव का लिंग बनाया जाता है, उसको हाथ पांव नाक कान
नहीं दिखाई जाती, क्योंकि वो हाथ पांव नाक आंख कान के बंधन में बंधता ही नहीं। और शंकर के हाथ पांव नाक आंख कान दिखाई जाती। सो दोनों आत्में अलग अलग हैं, शिव की आत्मा अलग और शंकर की आत्मा अलग। लोग क्या समझते हैं कि शिव शंकर एक ही, एक नहीं है, हैं तो दो आत्मा है, लेकिन शंकर की आत्मा इतनी गहरी याद में बैठती है, जो चित्रों में उसको गहरी याद में बैठे हुए दिखाया गया है कि वो शिव के साथ एकाकार हो जाते। क्या शंकर के संस्कार स्वभाव इतने निराकारी स्टेज को पकड़ते हैं कि शिव के समान निराकारी हो जाते। जैसे शिव का गुण है निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, ऐसे ही शंकर की आत्मा भी क्या बन जाती है, निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी। निर्विकारी मन कोई विकार नहीं, इसलिए विकारों में मुख्य विकार कौन सा है, पांच विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनमें मुखिया है काम विकार। लेकिन शंकर के लिए कथा दिखाते हैं कि उन्होंने काम देवता को भस्म कर दिया, और कोई देवता को नहीं दिखाते हैं क्या कि किसी ने काम देवता को भस्म किया हो। शंकर को दिखाती है कि कामदेव को भस्म कर दिया, अब जब मुखिया को ही भस्म कर दिया तो बाकी चोर डकैत जो वो तो अपने आप भाग जाएंगे। इसलिए शंकर भी निराकारी सो संपूर्ण निर्विकारी बन जाता और निर्विकारी सो निर्हंकारी। इसमें अहंकार होगा, देह का अहंकार होगा, वो फिर तो अहंकार तो दिखाएगा, देह होते हुए भी देह का कोई अहंकार न रहे उसको कहते हैं निरहंकार। तो बताया कि शंकर के मस्तक पर गंगा दिखाते हैं, कहते हैं गंगा जल वह चरणामृत है, उसे पीने से पवित्र बन जाएंगे। विष्णु के चरणों में से गंगा निकलती हुई दिखाई गई, गंगा विष्णु के चरणों में से निकली और शंकर के मस्तक में समा गई। अब कोई ये स्थूल चरण की बात थोड़ी है, ये तो बुद्ध रूपी पांव की बात है। क्या बुद्ध रूपी पांव किसके, विष्णु के। विष्णु जरूर कभी पहले ब्रह्मा रहा होगा, ब्रह्मा सो विष्णु कहते हैं। ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, वेद माना जानकारी ज्ञान, तो किसी को पता ही नहीं है कि मुख में से क्या वाह किया और वेद निकल गए, ऐसे कहीं होता है क्या, नहीं। वो निराकार शिव ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता है और प्रवेश करके जो वाणी बोलता है वो वाणी ब्रह्मा की ये आत्मा धारण करती है। क्या धारण कहाँ होगी, बुद्धि में धारण। उस बुद्धि में जो बुद्धि रूपी चरण में ज्ञान की धारणा होती है वो ज्ञान की धारणा सुनने वाले सुनते हैं, उन सुनने वालों में पुरुष भी होते हैं और स्त्रियां भी होती हैं। ज्यादा धारणा किसको होगी, क्यों पुरुषों को क्यों नहीं होगी, रावण तो बहुत प्रकांड विद्वान था, उसके उसके हाथों में वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं, जैसे ब्रह्मा के हाथों में वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं, तो उसने वेद शास्त्र रूपी ज्ञान धारण नहीं किया, क्या है धारण तो किया
लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में धारण नहीं किया। इसलिए मुरली में बाबा बोलते हैं जितने पुरुष हैं सब दुर्योधन दुशासन। क्या ये दुष्ट युद्ध करते हैं, दुर्योधन है, दुशासन दुष्ट शासन करते हैं, जबरदस्ती मारपीट करके चलाते हैं। बात कहते हैं जो दुर्योधन दुशासन है उनकी बुद्धि में ये ज्ञान धारण नहीं हो सकता। उनको क्रोध आ जाए तो उस समय ज्ञान रहता है, उड़ जाता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कोई काम विकार में नीचे गिर जाए तो पांचवी मार से नीचे गिरता है, हाथ गोड़ सब ज्ञान सारा उड़ जाता है। ज्ञान की बातें मैं सुना नहीं सके। तो पुरुषों को वो धारणा नहीं होती है। अब रही कन्याएं माताएं, कन्या माताओं में से दो वर्ग हैं, एक है कुमारियां और दूसरी है अधर कुमारियां। अधर आधी कुमारी, कैसे आधी कुमारी कैसे, शादी हो गई तो आधी कुमारी पूरी माता बन गई है। ज्ञान में आने के बाद बाबा बताते हैं कि तुमको पवित्र रहना है, क्या अपने जीवन में पवित्रता धारण करनी है, मन बुद्धि के अंदर गंध नहीं आने देना, क्या गुमूत्र की दुनिया में तुम्हारी बुद्धि चलाए मानना हो, ऐसी बुद्धि बनाना। तो भले शादी हो गई बच्चे भी पैदा हो गए लेकिन ज्ञान में चल पड़ी और बुद्धि में कचरा नहीं आने देती है तो कुमारी हुई ना उस समय से, तो उनको कहा गया अधर कुमारी। और दूसरी वो होती है जिन्होंने शादी की ही नहीं, बच्चों की पैदाइश हुई ही नहीं है, तो वो हुई कुमारी। इसलिए यादगार में मंदिर भी बने हुए हैं, कुमारी कन्या और अधर कुमारी। तो जो कुमारियां हैं उनमें प्योरिटी ज्यादा होगी, पवित्रता के वाइब्रेशन ज्यादा होंगे, या माताओं में ज्यादा होंगी, कुमारियों में प्योरिटी की वाइब्रेशन ज्यादा होते हैं, इसलिए वो कुमारियां नंबर वार ज्ञान को धारण करने वाली बन जाती है। कोई कहे नंबर वार क्यों, तो सारी कुमारियां फिर नंबर वार क्यों लगा दिए, इसलिए लगा दिया कि आज की इस कली की दुनिया में सारी दुनिया का वातावरण कैसा हो गया है, गंदा हो गया, खराब हो गया, ऐसा वातावरण बन गया है जिसे बाबा कहते हैं कि राम ने बंदरों की सेना ली। वास्तव में बंदरों की सेना नहीं ली, बंदर मिसल मनुष्य बन जाते हैं उनकी सेना ली, उनको ज्ञान सुनाया, उनको माया से युद्ध करना सिखाया। ऐसे जो बंदर होते हैं वो बंदरों की दुनिया में बाबा बताते हैं, अखबार भी बताते हैं, आज टीवी भी बताता है, क्या कि बाप बेटी को नहीं छोड़ता, भाई बहन को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, चाचा भतीजी को नहीं छोड़ता, गुरु अपनी चेली को नहीं छोड़ता, कुमारियों के सारे ही दुश्मन बन जाते। तो सारी ही कुमारियां भ्रष्ट हो जाती होंगी क्या, कि नंबर वार भ्रष्ट होती होंगी, नंबर वार तो उनमें कोई ऐसी भी निकलती है जो ज्ञान को अच्छी तरह से धारण करती है और संसार में ज्ञान दूसरों को सुनाती भी है, बांटती भी है। उत्तर भारत में गंगा बहती हुई दिखाई जाती है, क्या उत्तर भारत में गंगा का बहुत मान है, कहते हैं गंगा शंकर के मस्तक में समान है। अब ये बातें कहाँ की हैं, संगमयुग की हैं। परमात्मा शिव ने ब्रह्मा के मुख में आकर जो वेदवाणी बोली, जो ज्ञान सुनाया जिसे मुरली कहा जाता है, उस मुरली के ज्ञान को कोई ने पूरा धारण किया, क्या
जो पूरी याद में रहेगा वो ही पूरा धारण करेगा। तो शंकर की याद बहुत तीखी होती है, वो याद की शक्ति से जो भी ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनाया जाता है वो सारा ज्ञान अपनी जटाओं में समा ली। उस जटाओं में ज्ञान नहीं समाया जाता, कहीं बालों में ज्ञान होता है क्या? बालों माने जटाओं माने बुद्धि में वो सारा ज्ञान समाया जाता है। बुद्धि में जो ज्ञान समाता है उन जटाओं में आकर के विष्णु के किरणों में से जो निकली हुई गंगा है, जो ब्रह्मा से विष्णु बनने वाली आत्मा है, उसकी रहबरी में पलने वाली जो आत्मा गंगा के रूप में कन्या के रूप में होती है, वो उस पर अर्पण हो जाती है। पर शंकर शिव शंकर भोलेनाथ के ऊपर अर्पण माने समर्पण हो जाती है। वो समर्पण होने की यादगार उनके मस्तक पर गंगा दिखाई। तो गंगा शंकर की जटाओं में आकर समा जाती है। तो पहले परमात्मा शिव ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, जो ज्ञान आता है उस ज्ञान को कोई तपस्वी शंकर के रूप में उसको धारण करता है, और धारण करने में जो नंबर बन जाता है उसकी बुद्धि में वो गंगा ज्ञान की घुमरती रहती है। पहले घुमरती रहती है, वहीं अटक जाती है, बाहर बाहर नहीं आती। तो कथा बनाती है क्या कि भागीरथ ने क्या किया, लंबे समय तक फिर तपस्या की, तपस्या करके गंगा को अविद्या माता जी क्या किया, गंगा को जटाओं से नीचे लाया गया। माना जो उनके मस्तक में ज्ञान गंगा समा गई थी वो ज्ञान गंगा फिर पृथ्वी पर फैलती और सारी दुनिया का कल्याण करती। तो शंकर जी का भी चोला पुरुष का है या स्त्री का चोला है? पुरुष चोला है। पुरुष चोलों के द्वारा कल्याण नहीं होता सृष्टि का। कितना भी भारी ज्ञान सुनाए दे, कल्याण कब होता है? जब वो ज्ञान कोई कन्या धारण करती है और धारण करके संसार में फैलाने के निमित्त बनती है तो गंगा आती है। बताया ऐसे नहीं है कि गंगा जल या चमन चरण से कोई पावन बन जाते हैं। उन्होंने ये समझ लिया कोई स्थूल गंगा है पानी की जिससे कोई पावन बनता है, नहीं। उस कन्या निकलती है और कन्या उस ज्ञान को धारण करती है जीवन में, और जीवन में धारण करके दूसरों को सुनाती है। अब वास्तव में ज्ञान तो अमृत तो ज्ञान को कहा जाता है क्या? अमृत माना शास्त्रों में आया ना कि सागर मंथन हुआ और उसमें से अमृत कलश निकला, अमृत कलश निकला। ये नहीं कहते ज्ञान कलश निकला, क्या निकला? अमृत कलश निकला। तो ज्ञान में और अमृत कलश में क्या अंतर है? मुरली में भी बोला है, मुरली में जब ब्रह्मा बाबा मुरली चलाते थे तो उनके मुख से बोला है अभी गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अमृत जो है वो मंथन करने के बाद निकलता है। जब सागर मंथन हुआ तो अमृत निकला। ऐसे ही ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान सुनाया गया उस सुने हुए ज्ञान को शंकर की बुद्धि में शंकर की जटाओं में मंथन किया गया। शंकर ने अपनी बुद्धि में मंथन किया तो मंथन करने के बाद फिर वो अमृत बनकर के निकलता है। तो बताया अमृत ज्ञान को कहा जाता है। कहते दिए अमृत छोड़ विष काहे को खाए, क्या गंगा जी के लिए कहते हैं? किसके लिए कहते हैं? अमृत छोड़ विष काहे को खाए, ये गंगा जी के लिए कहते हैं
या देवताओं के लिए कहते हैं, किसके लिए कहते हैं, किसे किसका बनाया हुआ है? शंकर जी का चित्र बनाया हुआ, क्या चित्र बनाया हुआ? शंकर जी क्या करते थे? विषपात्र दिए हुए पीते हुए दिखाया जाता है। बाप कहते हैं तुमको अमृत मिल रहा है, तुमको ज्ञान अमृत देता हूँ, तुम गंगा के लिए पीते हो। गंगा के लिए नहीं है, माने कन्या माताएं जो होती हैं उनमें लाज रहती है, वो सुपनखाएं पूतना ही नहीं बनती है मोस्टली, तो लज्जा होने के कारण वो ज्ञान अमृत को पीने वाली बनती है। और पुरुष पुरुष जो है वो विषपायी होता है, वो विषय विकार भोगने वाला होता है। तो जो पुरुष है उन पुरुषों में जो मुख्य पुरुष है वो कौन है? ज्यादा से ज्यादा कोई आत्मा पुरुष के जन्म लेने वाली होती होगी या नहीं होती होगी? ज्यादा पुरुष जन्म कौन लेगा और ज्यादा स्त्री जन्म कौन लेगा, कुछ हिसाब होगा कि नहीं होगा? क्या हिसाब होगा? अरे अभी तो बताया, कोई आत्मा दो दो जन्म स्त्री के लिए लेती, कोई आत्मा दो दो जन्म पुरुष के लिए, तो कोई ऐसी आत्मा भी तो होगी जो 84 जन्मों में से ज्यादा पुरुष चोले धारण करती है। अब कोई ऐसी होगी जो 84 जन्मों में ज्यादा से ज्यादा स्त्री चोला धारण करती हो, तो ज्यादा पतित कौन बनेगा, ज्यादा पावन कौन बनेगा? जो पुरुष चोला ज्यादा धारण करेगा वो ज्यादा पतित बनेगा, और जो स्त्री चोला सबसे ज्यादा धारण करेगा वो क्या बनेगा? वो अंतिम जन्म में भी पावन बनेगा। तो बुद्धि भी कैसी होगी? पावन बुद्धि होगी। तो गंगा कहो या वैष्णवी देवी लक्ष्मी कहो, क्या ये दो रूप है? अमृत कलश निकला तो दिखाया गया है, लक्ष्मी को दिया गया, लक्ष्मी ने प्रभु ज्ञान अमृत बांटा। किसको बांटा है? किसको बांटा? देवताओं को बांटा। लेकिन गलती क्या हो गई है? लक्ष्मी ने बांटा तो ब्रह्मा सो वैष्णवी बनने वाली जो लक्ष्मी है उसने बांटा तो, लेकिन फैसला नहीं कर पाया क्या कि कौन देवता है और कौन असुर है, अब बांटते चले गए। तो असुरों का नंबर लग गया, उन्होंने अपना घुस गए, उन्होंने नंबर लगा लिया। तो वो जो नंबर लग गया वो तो अमर हो गया ना, सृष्टि में से असुर कभी खत्म हो जाते हैं क्या? तो खत्म नहीं होते, वो द्वापर युग से फिर शुरू हो जाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि लक्ष्मी को इतनी निर्णय शक्ति नहीं होती है। कितनी? इतनी परख शक्ति लक्ष्मी को नहीं होती है जितनी नारायण, नारायण को तो होती ही होती है, जितनी गंगा को। क्या गंगा में, गंगा के लिए नहीं दिखाते हैं कि गंगा जो है पतित पावनी है तो वो गंगा असुरों को भूल में आकर के बांट देती है, नहीं भूल में आके नहीं बांटती है, वो असुरों का भी उद्धार करती है। गंगा की बुद्धि में वो ज्ञान रहता है जो रुद्रमाला के रुद्र वक्षों में ज्ञान रहता है, रुद्रमाला और विजयमाला। रुद्रमाला किसकी है और रुद्र विजयमाला किसकी है? रुद्र कहा जाता है शिव को, तो शिवबाबा की माला है रुद्रमाला, और विजय माला वैजयंती माला वैष्णवी देवी की है। वो विजय माला जो है वो विष्णु की माला है, तो विष्णु ऊंचा या शिव ऊंचा? शिव ऊंचा हुआ तो उसकी माला में भी ताकत ज्यादा होगी कि नहीं होगी? और विष्णु की माला में उतनी ताकत
नहीं होती, ये बात दूसरी है कि जो विजय माला है उस विजय माला में रुद्र माला के मण के जब विकारों पर विजय पा लेते हैं तो विकारों पर विजय पाने वाले वो मण के विजय माला में ऐड कर दिए जाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना हो जाती है। जो नई दुनिया बनती है उसमें प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना होती है, निवृत्ति मार्ग की स्थापना जो हुई है 2500 साल से वो खलास हो जाती। तो बताया कहती भी है अमृत छोड़ दिख काहे को खाए, तो कौन कहते हैं और किसके कहते हैं है? अरे किसी से तो कहते होंगे, कोई तो कहता होगा, किसने कहा और किसने कहा? शिव ने कहा किसने कहा? शंकर जी से कहा तू अमृत छोड़ दिख काहे को खाए। अच्छा क्या शंकर ही भी खाता है? एक जो भी पुरुष है उन पुरुषों में कोई ऐसा भी पुरुष है जो बिखना खाता हो है? कोई है? कोई ऐसा नहीं, खाते तो सब हैं, लेकिन अव्वल नंबर खाने वाला भी तो कोई होगा। जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, जो पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, जो पहला क्षत्रिय सो पहला विशेष विषय विकारी, जो पहला विशेष वैश्य सो पहला शूद्र। तो पहला नंबर किसका लगा? तो गाय किसका होगा? गाय भी उसी का होगा। गाय नहीं, प्रैक्टिकल बात है कि सारी बातों पर जीत हो जाती है। किसकी? शंकर की याद के बल से। लेकिन एक बात पर जीत नहीं होती। कौन सी बात? विष पीते जो दिखाया गया है वो विष पीना छोड़ नहीं पाता। क्यों? अरे काम विकार के ऊपर विजय पाने के लिए करना है, संगी साथी चाहिए या अकेला हो जाएगा? संगी साथी चाहिए है? संगी साथी भी तो चाहिए, और जो संगी साथी चाहिए वो समान ताकत वाला चाहिए या लुंजुम पुंजुम चाहिए? लुंजुम पुंजुम से काम नहीं चलेगा। हाँ ये हो सकता है कि एक ब्राह्मण कुल का हो तो दूसरा क्षत्रिय कुल का हो, या ब्राह्मणों में से कुछ गिरिपुरी का हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक शूद्राणी हो और एक ब्राह्मण हो और दोनों का साथ कर दिया जाए तो वो काम विकारी के ऊपर जीत पाए लेंगे। नहीं, समान पुरुषार्थी होने चाहिए। तो समान पुरुषार्थियों में फिर बाबा, तो ये कहाँ की बात बोली? ये बात कहाँ की बोली? संगम में ऐसा हुआ होगा क्या? एक गुरु छोड़ा दूसरा है, एक छोड़ दे दूसरा पकड़ ले है। एक करते हैं, संगी साथी बनाते हैं, सृष्टि बनाते हैं, सृष्टि की पैदाइश होती है ब्रह्मा के द्वारा, फिर क्या करते हैं? वो सृष्टि अच्छी नहीं लगती तो खत्म कर देते, कमी महसूस करते हैं। हाँ, फिर नई सृष्टि रचने के लिए संगी साथी दूसरा चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर दूसरा साथी बनाते, वो भी सृष्टि उन्हें पसंद नहीं आती, फिर खलास कर देते। फिर तीसरा संगी साथी, फिर सृष्टि रची गई तीसरी बार, वो भी पसंद नहीं आई, फिर चौथी बार जब बनाते हैं तो वो स्थापना हो जाती। तो आखिरी कौन सा होता है? आखिरी जो संगी साथी बनता है वो कौन बनता है? लक्ष्मी वैष्णवी। वो आखिरी पहले ही क्यों ना बना लिया बाबा, चार बार के बजाय? आज में तो सूत्रों को ब्राह्मण बनाया गया था, और वो भी कलकत्ते की बात थी, और कलकत्ते में
परंपरा ऐसी चलती है आखिरी जन्म में कि जो भी मनुष्य होते हैं वो सब इतने विकारी होते हैं कि दो दो स्त्रियां रखते हैं, चार चार स्त्रियां रखते हैं। एक अपनी स्त्री घर में रखेंगे, उसके होते हुए भी दूसरा मकान बना देंगे, वहां दूसरी औरत रखेंगे। ये बंगालियों में बहुत चलता था। तो आज भी ये स्थापना हो जाए, जमदे जामदे नहीं होता है क्या? हथेली पर आम नहीं उगाया जा सकता। ये कि आज में भी बाबा कहते हैं धोबी घाट खोला था, क्या धोबी घाट खोला था, लेकिन उस समय ज्ञान नहीं था। जब ज्ञान ही नहीं है तो स्थापना होने का सवाल नहीं। उस समय तो ओम ओम ध्वनि का उच्चारण करते थे जैसे भगत लोग करते, संस्कृत की गीता बैठ करके पढ़ाते थे, तो कोई ज्ञान तो नहीं हुआ। ज्ञान तो अब आया है ब्रह्मा के मुख से, वेदवाणी आई, लेकिन उसका मंथन नहीं हुआ। फिर कोई बच्चा निकलता है, ब्राह्मण बच्चा, जैसे उदाहरण शंकर को दिखाते हैं ना, कोई ब्राह्मण बच्चा ऐसा निकलता है जो उस ज्ञान को पूरा मस्तक में धारण करता है, मंथन करता है, और उसके मस्तक में से गंगा बाहर आती। संसार में सृष्टि का उद्धार करने के लिए वो कन्या मैदान में आ जाती है। तो ये सारी यहाँ की बातें हैं। बोला ऐसी बात नहीं है कि गंगा जल व चरणामृत से कोई पावन बन जाते हैं। अमृत तो ज्ञान को कहा जाता है। अमृत छोड़ किस काहे को खाए, तो भक्ति मार्ग में बहुत ही अगड़म बगड़म कर दिया। क्या अगड़म बगड़म कर दिया है? भक्ति मार्ग में कोई भी बात का तालमेल बैठता नहीं है, तो सारा सूत मुझा हुआ होता है। ज्ञान का सारा सूत जैसे कोई धागा हो ना, और इन्हीं इकट्ठा करके गुल्ला बना दो तो क्या होगा? सारा सूत मुझ जाए। तो ऐसे ज्ञान का सारा सूत मुझा हुआ है, अब बाप आ करके उस सूत को उठा ले। आज के सन्यासी होते हैं ना, झूठे सन्यासी, वो मानो जटाएं कैसी बना लेते हैं, हाँ, उनको जटा बना के और निबड़ा करके और सारे बालों को गुत्थम गुत्था कर देते हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी जटाएं बना देते हैं। वो है, उन्होंने यादगार कहाँ की बनाई हुई है, धारण की हुई है, शंकर जी की यादगार धारण की हुई है। शंकर जी की बुद्धि में ज्ञान जो है वो आखिरी जन्म में सारा गुत्थम गुत्था हो करके जटाओं के रूप में लड़ गया। अगर शिव प्रवेश न करे तो ज्ञान का सूत मुझा का मुझा ही हुआ है। अभी शिव बाबा कहते हैं मैं आया हुआ हूं, जो ज्ञान का सूत मुझा हुआ है उसको सुलझाने के लिए। ज्ञान का सूत किसने मुझाया? द्वापर विशेष शास्त्र बने, धर्म गुरुओं, धर्म गुरुओं में भी मुख्य गुरु कौन हुआ होगा जिसने ये ज्ञान का सूत्र बहुत बहुत मुझाई दिया है? आखिर शास्त्र बनाना शुरू किसने किया? ब्राह्मण बच्चों ने भी, कोई ब्राह्मण बच्चा तो होगा जिसने शुरुआत की होगी शास्त्रों के बनाने की। और शास्त्रों में क्या लिखा है? ये शास्त्र वेद शास्त्र किसने बनाए? नहीं, ब्रह्मा जी तो मुख से निकला, जैसे धर्म पिताओं के मुख से अपना अपना धर्म का ज्ञान निकलता है, वो कोई शास्त्र नहीं है। धर्म पिताओं के सैकड़ों वर्षों के बाद फिर उनके शास्त्र बनते हैं, क्या मोहम्मद के 200-300 वर्ष के बाद फिर कुरान बनी, क्राइस्ट के 300-400 वर्षों के बाद बाइबिल बनी, गुरु नानक के 100-200 वर्षों के बाद गुरु ग्रंथ साहब बना, उसी समय थोड़ी बनता है। तो ऐसे ही शिव बाप भी जब आते हैं तो ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान सुनाते हैं उसका शास्त्र बन ही नहीं सकता। 2500 साल के बाद फिर कोई शास्त्र बनाना शुरू करता है। तो कोई ने तो महाभारत गीता और ये शास्त्र बनाए होंगे, वो कौन है? व्यास। जी माना
विशेष और आसमान बैठ गया पार्थिव ज्ञान बघाने के लिए। तो जो बैठ गया जिसने शास्त्र बनाए वो शास्त्र दुर्गति के बने या सदगति के बने? दुर्गति के बने। वो तो दुर्गति करने वाला कौन? अरे कोई तो हुआ होगा है? अरे शास्त्र बनाने वाला कोई तो हुआ होगा, व्यास हुआ। वो कौन है व्यास? व्यास की भी गति है क्या? नहीं, जैसे गुरु लोग होते हैं ना, तो गुरु लोग शरीर छोड़ देते हैं तो उनकी गद्दी लेकर को कोई दूसरा बैठ जाता है। जैसे नारायणों की सचिव में गद्दियां चलती हैं, फर्स्ट नारायण, दूसरा नारायण, तीसरा नारायण, चौथा नारायण। जैसे अंग्रेजों में डायनेस्टी चली, किंग एडवर्ड फर्स्ट, किंग एडवर्ड सेकेंड, थर्ड, ऐसे ही व्यास नाम की भी गद्दियां चली। जो सचिव में नारायण बनते हैं वो ही द्वापर में आकर क्या बनते हैं? व्यास बन जाते हैं। तो में नंबर वन व्यास कौन हुआ? अरे कौन हुआ? इब्राहिम हुआ। इब्राहिम ब्रह्मा बाबा हुआ। अरे ब्रह्मा से भी पहले कौन हुआ? नारायण। कहते मैं ब्रह्मा बाबा तो दूसरे नंबर का नारायण बनेगा, उससे भी पहले नारायण कौन हुआ? नारायण वाली आत्मा ना। तो पहला जो नारायण बनता है वही पहला आकर के वहां व्यास बनता है। अब हाँ, मनुष्य बुद्धि शिव बाबा तो प्रवेश होता नहीं, तो जैसी अगरम बगरम बुद्धि बनती है, विकारी बुद्धि द्वापर युग से, विकारियों के संग से, विकारी धर्मताओं के संग से गए थे उन्होंने सृष्टि का कल्याण करने के लिए, समझ के बैठ गए कि हम कल्याण करेंगे, शिव हम कह के बैठ जाते। आदत तो है ना, क्या ये आदत कहाँ से पड़ती है? ये संगम में आदत पड़ जाए, शिव बाबा प्रवेश करते हैं तो जिसमें प्रवेश करते हैं उसको ये अहंकार हो जाता है कि शिव बाबा और किसी में मुकर्रर नहीं प्रवेश करते, मेरे में ही प्रवेश करते। भले बाहर के मुख से न करे तो भी अंदर अंदर बात चलती है, बैठ जाता है। तो वो बात जो अंदर बैठ गई संगम युग में वो कहाँ निकलती होगी? कहीं निकलेगी कि नहीं निकलेगी? वो द्वापर युग से निकल पड़ता है, इमर्ज हो जाती द्वापर। तो वो ढेर सारे शास्त्र बनाए देते हैं, उन शास्त्रों से मनुष्यों की दुर्गति होती है। पहले शास्त्र की सत्व प्रधान थे दुनिया की हर चीज, पहले सत्व प्रधान, फिर रजो प्रधान, फिर लास्ट में तम प्रधान। तो पहले पहले जो शास्त्र बनाए द्वापर युग के आदि में उनमें फिर भी सात्विकता थी, सत्व प्रधानता थी। बनाने वाले ने जिस अर्थ से बनाए वही अर्थ वो सुनाते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, उनके जो परवर्ती आए दूसरे दूसरे नारायण, दूसरे दूसरे धर्म वाले, उन्होंने उसके अर्थ जो है अर्थों का अनर्थ कर दिया, मन मत घुसण दिया। वो मनमत घुसेड़ने से क्या हुआ कि वो शास्त्रों का अर्थ जो है पलट गया। ओम।